भागने लगे। कब से बना रहे हैं आप लोग? हम लोग 27 तारीख से बना रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं पाग हो चुका है तैयार, इसको निकालते हैं, उसके बाद रखते हैं यहाँ पे। चॉकलेट पाउडर इसमें मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। नींबू क्यों डाला जाता है? बिना नींबू का तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो गाइस देख सकते हैं तिलकुट का जो मेकिंग है, हम लोग का प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुका है। अब उसको देख नहीं आता, हम समझ गए गट्टा उठाने के लिए आ गए। चीनी है, चीनी, चीनी का गट्टा तैयार हो रहा है ना। यहाँ पे देख सकते हैं मेकिंग जो है अपना तैयार हो गया है, और भैया जो है लोहिया बना रहे हैं, जिसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं कितना सफाई से और कितना तेजी से चाचा जो है बना रहे हैं। सो गाइस देख सकते हैं अभी जो चाचा लोग बना चुके हैं अभी इतना सारा, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ढेर लग गया है बना बना के। और क्योंकि तिलकुट का सीजन आ चुका है तो पूरा जो है स्टॉक तैयार हो चुका है अभी, और अभी से सेल जो है चालू हो गया है। हम लोग खोआ बन गया, बनने दीजिए, हटाओ। ये कब से ये बना रहे हैं अंकल आप लोग? ये कब से बना रहे हैं आप लोग? हम लोग 27 तारीख से बना रहे हैं। हाँ ठीक है, कितना साल से बना रहे हैं? 17 साल से। 17 साल से आप बना रहे हैं? हाँ। तो आपको तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा इसका करने का। हाँ हाँ। तो इसका शॉर्ट में थोड़ा सा मेकिंग बता सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है? थोड़ा सा बता सकते हैं। पहले चीनी का बनाया जाता है, चीनी खोला कर उसके बाद चीनी को आदमी एवरेज मिला लेता है कितना में पाग मेरा हो गया, उसके बाद उतार लेते हैं। पट्टी को ठंडा करके फिर इसको वाइट करते हैं खींच के खूटा से, उसके बाद खूटा को गलाने के बाद हम लोग तिलकुट को प्रयोग करते हैं बनाते हैं। जी जैसे कि अभी वो तैयार हो चुका है गट्टा, और उसके बाद जो लोहिया बन रहा है उसके बाद जो पीट कर हम लोग बनाते हैं तिल मिलाकर। जी जी, फिर उसको गलाने के बाद तिल मिला के उसके बाद हम लोग बनाते हैं। चाचा ये कौन सा तिल रहता है, घर का तिल रहता है या फिर कहीं और से आप लोग मंगवाते हैं? हम लोग तिल बाहर से भी, अगर यहाँ नहीं मिलता है औरंगाबाद बाहर से भी तिल मंगाते हैं, कानपुर से तिल मंगाते हैं। मिलने के बाद अगर यहाँ मिल जाता है सप्लाई तो यहाँ से भी देते हैं। तो ये तिलकुट वाला स्पेशल तिल आता है या घर का तिल रहता है? तिल घर का ही रहता है, लेकिन उसको रिफाइन करके मिल हम लोग को सप्लाई करके देता है। तो यहाँ पे आप कब से तिलकुट बना रहे हैं इस दुकान में? कितना साल से बतावे कि आज कल जो चालू की वो बतावे आपको। इस दुकान में कितना साल से बना रहे हैं? यहाँ करीबन हम काम करते हुए हमको 17 साल हुआ, यहाँ बनाते हुए 8 साल हो गया। तो गाइस देख सकते हैं चाचा जो है बहुत ही अच्छा तिलकुट बनाते हैं, और इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और बाकी देख सकते हैं कैसे बना रहे हैं हम लोग का।
सो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे पट्टी रखाता है, और ये जो चॉकलेट पाउडर है जो दुकान के ऑनर से मिलते हैं और पूछते हैं कि ये बिजनेस करने का आइडिया उनको कहाँ से मिला और कब से स्टार्ट किए हैं। ये तिलकुट का दुकान हमारे रामलला तिलकुट भंडार ये 22 वर्षों से है। तिलकुट खुलने की प्रेरणा हमको चतरे जिला से मिला था, हमारे मामा जी का बहुत बड़ा तिलकुट चतरा तिलकुट भंडार है, वहीं से हम लोगों ने देख कर ये बिजनेस डाल्टनगंज पलामू में हमने शुरू किया। और शुरू किया तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोग के पास आया, बहुत ही पब्लिक का रुझान हमारे प्रतिष्ठान में आने लगा। तो क्वालिटी उच्चतम क्वालिटी हम देते हैं, इसलिए हमारे पास पूरे शहर से कस्टमर आते हैं, तिलकुट लेकर जाते हैं। तो सर आप बता सकते हैं, जैसे कि आपने उतना साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपके कंपटीशन में तो बहुत ही कम यहाँ पे दुकान होंगे। शहर में कितने भी दुकान हो उससे हमारी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी क्वालिटी पे विश्वास रखते हैं। जी गाइस, तो देख सकते हैं कि अंकल का कि जैसे हर जगह का क्वांटिटी मैटर नहीं करता है गाइस, क्वालिटी मैटर करता है, और जहाँ क्वालिटी आपको दिखेगा वहाँ पे भीड़ जो है ऑब्वियसली आएगा ही। और अंकल वाकई में बहुत अच्छे तिलकुट बना के और बेचते हैं, और हमारे तिलकुट स्विट्जरलैंड तक जाता है, वहाँ के भी कस्टमर के लिए पार्सल में भेजना पड़ता है। जी गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि इनके पास जो है स्टॉक जो है ख़त्म हो जाता है, और रात दिन मेहनत करके बनवाना भी पड़ता है। ये सही बात है रामलला। और ये स्टेशन रोड जाने में पड़ता है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं सदीक चौक से आने में पड़ता है, यहाँ पे आपको राइट साइड में पड़ जाएगा, और ये सीधे रोड जो है स्टेशन चली जाती है। तो देख सकते हैं आपका लोकेशन है गाइस यहाँ पे।